ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर 10 बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 125 डेंगू मरीज मिल चुके हैं, जबकि 18 मरीजों के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को मानक के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने लोगों से डेंगू के लक्षण दिखते ही नजदीकी अस्पताल में इलाज कराने की अपील की है। सीएमओ साहब के साथ, सीएमएस साहब के साथ निरीक्षण किया गया डेंगू वार्ड का, और लगभग 125 से ऊपर हमारे जो केसेस हैं वो एलाइजा पॉजिटिव आ चुके हैं, और 1800 से ऊपर लोगों की जांच करवाई जा चुकी है। ये महाराजा चेत सिंह की बात करें, लगभग सिमिलर संख्या महाराजा बलवंत सिंह की भी है, और सीएचसी में भी हमारे लगातार मरीज आ रहे हैं। इसमें ध्यान यही रखना है कि हम लोग जो पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि इलाज इसका कोई विशेष होता नहीं है। इलाज में पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन ही दी जाती है जो इजीली अवेलेबल है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत लेवल पे हम लोग ध्यान रखें कि कहीं भी पानी भी अगर साफ़ पानी, क्योंकि जहाँ जमा होता है वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, नाली और नालों के पानी में नहीं।